Hi, my name is Anshu Raina, and today I'm going to read you a story named Chatur by Subhash Komru in Hindi. So that's the book for you. A small summary for this book. In this story, Mant, the donkey, doesn't like to work, but Atal, the elephant, doesn't mind at all. So Chatur gets the bright idea to replace Mant with Atal. But things don't work out the way Chatur thinks they will. Let's find out what happens in the story. So beginning, these are our major stars for the story: Mant, the donkey, Chatur, the owner, and Atal, the elephant. एक गांव में एक धोबी रहता था, जिसका नाम चतुर था. चतुर सुबह सुबह लोगों के घर जाता और उनके कपड़े धो के सुखा कर शाम तक वापस कर देता था. उसके इस काम में उसका साथी था एक गधा, जिसका नाम था मंद. जैसा नाम वैसा काम. मंद बहुत आलसी था. वह बस उतना ही काम करता था जितना उससे कहा जाए. एक दिन चतुर को बाजार में कुछ काम था. उसने पूछा, भैया मंद, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम साथ चलोगे? मन ने तुरंत पलट कर जवाब दिया, ना 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 ना, हम तो भाई आराम करेंगे. दूसरे दिन चतुर ने फिर से पूछा, भैया मंद, कुछ मेहमान आ रहे हैं, उन्हें लेने स्टेशन चलोगे? मंद ने फिर से वही रटा पिटा सा जवाब दिया, ना 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 ना, हम तो भाई आराम करेंगे. चतुर का व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा और साथ ही साथ बढ़ने लगा मंद का बोझ. वैसे तो मंद कभी भी बोझ की शिकायत नहीं करता था, पर इस बढ़त के साथ चतुर ने एक चीज में बदलाव महसूस किया और वह थी मंद की गति. जैसे जैसे बोझ बढ़ रहा था, मंद की गति धीमी हो रही थी. अब जब भी चतुर कहता, भैया मंद, थोड़ी गति तो बढ़ाओ, मंद जवाब देता, ना 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 ना, हम तो भाई आराम करेंगे. चतुर अब परेशान होने लगा था. उसे लगने लगा था कि उसका व्यापार मंद के तेवर पर निर्भर है. यह बात उसे कुछ जंच नहीं रही थी. एक दिन हुआ यूं कि धोबी घाट पर कुछ बच्चे खेल रहे थे. चतुर ने सोचा कि अगर मंद बच्चों के साथ कुछ देर खेलता है या उन्हें थोड़ी देर सैर कराता है, तो शायद उनके माता पिता खुश होकर उसे और काम देंगे. उसने मंद से पूछा, भैया मंद, तुम उन बच्चों के साथ खेलोगे? मंद ने फिर से वही रटा पिटा सा जवाब दिया, ना 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 ना, हम तो भाई आराम करेंगे. पर बच्चों को मंद इतना भा गया था कि वे खुद से उसके पास खेलने आ गए. मंद ने उन सब पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पर वे बच्चे तो उसे अकेला ही नहीं छोड़ रहे थे. एक तरफ मंद का आलस और दूसरी तरफ उन बच्चों की शैतानी. अब तो मंद का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था. उसने हवा में जोर से दुलत्ती मारी और वह इतने पर भी नहीं रुका. उसके बाद उसने ढेंचू ढेंचू करके बच्चों को डरा भी दिया. बच्चे भाग गए और उन्होंने अपने माता पिता को सारी बात बताई. उन लोगों को यह बहुत खराब लगा और उन्होंने चतुर से इसकी शिकायत की. अब चतुर मंद की हरकतों से तंग आ चुका था. वह मंद से पीछा छुड़ाने की बात सोचने लगा. उसने सोचा, मुझे कोई ऐसा साथी चाहिए जो काफ़ी बोझ भी लाद ले और बाकी के कामों में भी अच्छे से हाथ बटा सके. इन्हीं सब बातों को सोचते हुए चतुर बाजार से आ ही रहा था कि उसकी मुलाकात अटल से हुई. अटल एक मजबूत हट्टा कट्टा हाथी था. उसमें इतनी ताकत थी कि वह केवल कपड़े ही नहीं बल्कि किसानों की फसलें भी ढो सकता था. अटल को देखते ही चतुर को लगा कि उसकी तलाश पूरी हो गई. उसने सोचा कि अटल की सहायता से उसका व्यापार तो बढ़ेगा ही साथ वह बड़े ठाट बाट से अटल की सवारी करके बाजार भी जा पाएगा. इसी योजना से चतुर अटल को घर ले गया. आते ही उसने मंद से कहा, मंद, मैं तुम्हारे लिए ग्राहक ढूंढ रहा हूँ और आज से मेरे साथ अटल काम करेगा. अब तो चतुर की चल पड़ी थी. अटल बहुत ज़्यादा बोझा ढोने के साथ साथ चतुर को भी बिठाकर धोबी काट ले जाता. अटल न केवल चतुर के साथ धोबी काट जाता, बल्कि मेहमान आने पर उन्हें रेलवे स्टेशन से घर भी ले आता. यह सब देखकर चतुर अपने निर्णय से बहुत खुश था. उसका काम अच्छी तरह से चल निकला.
यहाँ तक कि गांव की मुखिया की बेटी बेला की शादी में भी उसे मेहमानों के कपड़ों की जिम्मेदारी सौंप दी गई। चतुर यह सारा काम अटल के साथ बड़ी ही आसानी से कर सकता था। अब हुआ यूं कि जब अटल ने सारे कपड़े धोबी घाट पहुंचा दिए तो चतुर ने कहा, अटल कपड़े धुलने में तो बहुत समय लगेगा, तब तक क्या तुम अपना ख्याल रख पाओगे? अटल बोला, हाँ हाँ स्वामी, जैसी आपकी इच्छा। जो कान बस ना ना सुनते थे उनमें जब यह आवाज़ पहुंची तो चतुर खुश हो गया। उसका मन खुश हो गया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर शायद यह उसकी आखिरी मुस्कान थी। इसके आगे जो होने वाला था वह तो चतुर ने शायद कभी सोचा भी नहीं था। बेला की शादी अगले ही दिन थी। चतुर ने मुखिया की जोधपुरी पोशाक, बारातियों की शेरवानी कुर्ते और बेला की शादी का जोड़ा धोकर सूखने के लिए रख दिए। उधर अटल अपने मालिक को खुश करने के लिए गांव के लड़कों के साथ खेल रहा था। शाम हो रही थी और कपड़े सूखने ही वाले थे। उधर बच्चे अटल के साथ खेलते खेलते पानी में चले गए। अटल ने भी उत्साह से तालाब का पानी अपने सूंड में भर लिया और उसे जोर से चारों तरफ फेंका। बच्चे तो खुश होकर नाचने लगे, मगर चतुर तो पूरा भीग गया और साथ ही साथ भीग गए सारे के सारे रखे सूखे कपड़े। ऐसा लग रहा था मानो कपड़े सूर्यदेव के प्रकाश में नहीं बल्कि इंद्रदेव की मायावी बारिश में रखे थे। इससे पहले कि चतुर अटल को रोक पाता, एक बार और तोप के गोले की तरह पानी की बौछार आई। चतुर के सारे करे धरे पर पानी फिर गया, सारे कपड़े पूरी तरह से भीग गए और वह सर पकड़कर बैठ गया। फिर होना क्या था, बेला और मुखिया ने चतुर को पूरे गांव में दौड़ाया। रही सही कसर बरातियों ने निकाल दी। उन्होंने इसी धोबी घाट पर चतुर की अच्छे से पिटाई कर दी। अब कई दिनों तक अगर कोई चतुर से किसी काम के लिए पूछता तो उसका एक ही जवाब होता, ना 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 भाई, हम तो आराम करेंगे। थैंक यू एंड होप यू एंजॉयड द स्टोरी।